Hello guys, I'm Bhavishya Vink from Future is More Academy and I'm continuing with my topic General Defenses under Taught Part 3. So let's start. की वीडियो है जिसमें हम सबसे पहले हमारा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं मिस्टेक। जो हमारी मिस्टेक है वो मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में डिवाइडेड है। मतलब कि ये जो दोनों है, हमारी मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये दोनों ही डिफेंस नहीं माने जाते टॉट के अंदर। जो हमारा टॉट है, अगर जैसे हम इसे समझे तो जैसे अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी में चला गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है भाई, प्रॉपर्टी में उसके चला गया ट्रेसपास करके और बाद में आता हूं तो जैसे कहता हूं भैया वो आता है तो मेरी प्रॉपर्टी में कैसे आ गया, तुमने ट्रेसपास कर दिया ये वो, तुम्हारे पर केस करूंगा, तो मैं कोर्ट में ये थोड़ा कहूंगा कि भाई मैं ये अपनी प्रॉपर्टी समझ के इसके आ गया था, मिस्टेकनली मैं इसकी प्रॉपर्टी में घुस गया। तो ये तो हर जगह यूज होगा कि भाई मेरे से गलती से हो गया, टॉट तो है ही टोटली बेस्ड गलतियों के ऊपर। तो मिस्टेक जो है हमारा डिफेंस नहीं है टॉट के अंदर, एक्सेप्ट सम सिचुएशंस। तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं एग्जांपल फॉर द रॉन्ग द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इट इज नेसेसरी टू बी प्रूव दैट द डिफेंडेंट एक्ट मैलिशियसली विदाउट रीजनेबल कॉज। मतलब कि जैसे मैंने किसी के ऊपर केस करा, ठीक है, किसी के ऊपर मैंने केस करा तो उस केस में वो बंदा बरी हो गया और बाद में वो मेरे ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करता है कि भैया जो इन्होंने मेरे ऊपर केस करा था ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं थी, इन्होंने इनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि भाई मैंने ये कांड करा है, जिन्होंने मेरे ऊपर केस झूठा करा था, मेरे को हैरेस करने के लिए करा था ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो मेरे ऊपर लगाता है इस केस के अंदर। तो भाई अगर मैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट को प्रूफ कर देता हूं कि भाई मेरे को वाक्य में नहीं पता था कि जो तुम्हारे ऊपर मैंने जो इल्जाम लगाया वो वाक्य में सही नहीं है, मेरे को नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों लगाता। अगर वो मैं मिस्टेक को फिर प्रूफ नहीं कर पाता कि भाई मेरे को पता था ये चीज वो चीज, मैं अगर प्रूफ नहीं कर पाता कि मेरे को नहीं पता था, मेरे को पता था कि तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा ये चीज जिसका भी मैंने केस करा था, तो मैं उसके मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में फंस जाऊंगा और मेरे को पनिशमेंट मिलेगी जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए थी। ये होता है हमारा मिस्टेक। तो मिस्टेक का सेकंड एग्जांपल हम इसे समझते हैं, इफ वन पर्सन ट्रेसपासेस अनदर लैंड इट इज नो डिफेंस टू हिम दैट ही बिलीव्ड इन गुड ग्राउंड टू बी हिज ओन। वही चीज जो मैं आपको बता रहा था कि मतलब मैं किसी की लैंड में घुस जाता हूं अपनी समझ के, तो मिस्टेक तो ना मानी जाएगी वो मेरी, मैं उसके लिए लायबल होऊंगा ही होऊंगा, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जो मिस्टेक्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं प्रोवाइडेड टू द डिफेंडेंट वेयर ही कैन एबल टू अवॉइड हिज लायबिलिटी बाय शोइंग हिमसेल्फ that he acted his liability by showing himself that he acted under an honest but mistaken belief। मतलब कि plaintiff जो होगा, मतलब जो हमारे इसके अंदर defendant होगा, वो ये चीज prove कर सकता है कि जो मैंने जो ये काम करा वो mistaken belief में करा है, by chance मेरे से गलती से हो गया है। तो by chance वैसे होता नहीं है, बहुत कम rare cases में होगा जिसमें वो अपनी mistake को prove कर पाए, लेकिन अगर हम वैसे generally देखा तो वो mistake को बंदे prove कर ही नहीं पाते। ये एक सर्टन एक्सेप्शन है मिस्टेक की, जिसमें अगर वो अपनी मिस्टेक प्रूव कर दे तो वो बरी हो जाएगा कैसे ना कैसे करके, सर्टन एक्सेप्शन ये चीज। सेकंड हमारा आता है हमारा इस वीडियो के अंदर नेसेसिटी। तो नेसेसिटी से हमारा मतलब हम यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, मतलब कि मैं कोई ऐसा हार्म करूं जिससे कोई बड़ा हार्म बचे, वो होता है नेसेसिटी। तो इफ एन एक्ट इज डन इट कॉज हिम हार्म बट इज डन इन गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हार्म। मतलब कि कोई मैंने इसे एक्ट करा वो गुड फेथ में करा, ठीक है, जिससे कोई बड़ा हार्म बचे। तो द पर्सन हु डज सच एन एक्ट इज नॉट लायबल, और जिसने ये एक्ट करा वो लायबल नहीं होगा उस एक्ट के लिए। जैसे मैंने एक घर में आग लग रही थी, ठीक है, और साथ ही में मेरा घर था, मैंने अपने घर को बचाने के लिए अपने, ये आगे का केस भी है, मैंने अपने घर को बचाने के लिए उसके घर में ट्रेसपास करके मैं उसके घर में गया और आग बुझा दी, और बाद में वो बंदा वो जिसके घर में मैंने आग बुझाई, ऐसा तो भलाई का जमाना नहीं है, जिसके घर की मैंने आग बुझाई, बाद में मेरे ऊपर ये कहता है कि भाई तुमने मेरे घर पे ट्रेसपास कर दिया ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम लायबल होगे। तो भाई यहाँ पे तो मैंने अपना ही तो देखा, मैं उसमें बड़ा हार्म बचाने से छोटे हार्म में खत्म कर देता हूँ, ये एक्ट होगा, ये मेरे को नेसेसिटी का डिफेंस मिल जाएगा इसके अंदर और मैं लायबल नहीं होगा, ये चीज होता है नेसेसिटी का मतलब। तो देखते हैं नेसेसिटी किस चीज के कौन से मैक्सिम के ऊपर बेस करता है। नेसेसिटी बेस करता है मैक्सिम के ऊपर सैलस पॉपुली सुप्रीम लेक्स, विच मीन्स वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। मतलब कि जो वेलफेयर है पीपल का वो सुप्रीम लॉ है, इस मैक्सिम के ऊपर नेसेसिटी बेस करता है। नेसेसिटी और प्राइवेट डिफेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, जो हमारा नेसेसिटी है इट देयर इज एन इंफ्लिक्शन ऑफ हार्म विल बी एन ऑन इनोसेंट प्लेंटिव। जो इसके अंदर हमारा प्लेंटिव है वो इनोसेंट प्लेंटिव होता है, और वही अगर हम प्राइवेट डिफेंस में देखें उसमें जो हमारा प्लेंटिव होगा
वो खुद ही रॉन्ग डोर होगा. द हार्म इज कॉज्ड टू द प्लेंटिफ टू हु इज हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डोर. मतलब कि जो इसमें हमारा प्लेंटिफ है वो खुद ही रॉन्ग डोर है. ये डिफरेंस होता है प्राइवेट डिफेंस और नेसेसिटी में. और हमारा डिफरेंस एक और यहां पे बनता है नेसेसिटी और इनएविटेबल एक्सीडेंट के बीच में. द नेसेसिटी इन नेसेसिटी द हार्म इज इंटेंशनली. जो हमारा हार्म होगा वो इंटेंशनली होगा. और वही इनएविटेबल एक्सीडेंट में जो हमारा हार्म होगा वो द हार्म अटेम्प्ट्स टू अवॉइड इट. मतलब कि वेयर इनएविटेबल एक्सीडेंट द हार्म इज कॉज्ड इन स्पाइट ऑफ द ऑल अटेम्प्ट्स टू अवॉइड इट. जैसे इनएविटेबल एक्सीडेंट में मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि एक ऑक ट्री में दो दोस्त जाते हैं हंटिंग करने. तो वो एक दोस्त की गोली ओक ट्री से लग के चल दूसरे दोस्त को लग जाती है. वो दूसरा दोस्त उसके ऊपर क्लेम बैक करता है कि भैया तुम मेरे को डैमेज हुए तुम दो. ठीक है, तो उसके अंदर जो वो हार्म था वो एक इनएविटेबल एक्सीडेंट था. वो दूसरा बंदा जिसने गोली चलाई थी वो चाह के भी उस चीज को रोक नहीं सकता था. वो एक इनएविटेबल एक्सीडेंट था. ये होता है नेसेसिटी और इनएविटेबल एक्सीडेंट के बीच में डिफरेंस. तो इसके अंदर हमारे दो केस आते हैं, लीक वर्सेस ग्लैडस्टोन और कॉपे वर्सेस शापे. लीक वर्सेस ग्लैडस्टोन में क्या हुआ था, मतलब कि जो हमारा ग्लैडस्टोन था उसने लीक की हंगर स्ट्राइक तोड़ दी थी. लीक हंगर स्ट्राइक में चल रहा था, उसने उसकी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी. तो भैया उसके ऊपर लीक ग्लैडस्टोन के ऊपर केस फाइल करता है कि भैया इन्होंने मेरी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी. बैटरी का केस करता है ये वो एक्सेट्रा, जिसको मेरे को ये डैमेज हो गया है इसके लिए लाइबल होगा. तो भैया ग्लैडस्टोन ये कहता है वहां कोर्ट के अंदर कि भैया मैं क्यों लाइबल होगा. कोर्ट उसे ये कहती है मतलब कि जो इसने ये एक चीज करी उसमें तुम्हारी इसने डेथ बचाई. तुम अगर कुछ नहीं खाते तो तुम मर जाते. इसने प्रिवेंट एक बड़ा हार्म को प्रिवेंट कर एक बड़े हार्म को. अगर वो नहीं बचाता तुम्हें तो तुम्हारी डेथ हो जाती. वो सबसे बड़ा इसलिए हार्म क्या है, डेथ. ठीक है, उससे अच्छा उन्होंने छोटा एक्ट कर दिया. छोटे एक्ट को करा उसने, तुम्हें खाना खिला के चाहे तुम्हें उससे कुछ भी डैमेज हुए हो या तुम किसी भी किस चीज का तुम्हें नुकसान हो, इंजरी हुई हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसने बड़े हार्म को बचाने के लिए एक छोटा हार्म कर दिया. इसमें उसे नेसेसिटी का डिफेंस मिल जाता है, इसलिए ग्लैडस्टोन जो है वो लेवल नहीं होता. और भाई कॉपी वर्सेस शार्पे, मैंने आपको एग्जांपल में बताया भी था. इसमें जो शार्पे होता है वो कॉपी के घर में आग लग जाती है, तो वहां पे वो उसके घर में ट्रेसपास करके आग बुझाने चले जाता है जलती आग के बीच में. ठीक है, वो कहते रहते करके आग बुझा देता है और ट्रेसपास करते हैं तो कॉप उसके ऊपर केस फाइल करते हैं, इससे मेरे घर में ट्रेसपास कर रहा है. ठीक है, तो वहां पे शार्पे ये कहता है भाई जो साथ में तुम्हारे घर के साथ में जो मेरा प्लॉट मेरे मास्टर का प्लॉट था उसके यहां पर सर्वेंट था. तो कॉपी वर्सेस शार्पे इसमें क्या होता है, जो हमारा शार्पे होता है वो कॉपी घर में आग लग रही होती है और वो उसके घर के अंदर ट्रेसपास करके उसके घर के अंदर जाता है और आग बुझा देता है. तो कॉपी उसके ऊपर ट्रेसपास का केस फाइल कर देता है कि तुम मेरे घर में कैसे आए, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चाहे कुछ भी हो रहा है. तो वहां पर शार्पे ये कहता है कि भैया जो तुम्हारे घर के साथ में जो प्लॉट है ना वो मेरे मास्टर का प्लॉट है, मैं अपने मास्टर के प्लॉट को बचाने के लिए तुम्हारे घर में आग बुझाई. अगर मैं तुम्हारे घर की आग नहीं बुझाता तो मेरे मास्टर के प्लॉट में भी आग लग सकती थी. तो इसके अंदर भाई कोर्ट इसको नेसेसिटी का डिफेंस देती है. क्यों देती है, क्योंकि उसने एक बड़े हार्म होने से बचाया है. उसने चाहे अपना जो प्रिवेंट था उसका जो उसके मास्टर का जो प्लॉट था उसको बड़े हार्म से बचाया है, इसलिए जो हमारा शार्पे था उसके अंदर लाइबल नहीं होता है. जो हमारा थर्ड इसके अंदर डिफेंस आता है इस वीडियो में, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. मतलब कि ऐसा कुछ हमने एक एक्ट कर देना जो लेजिस्लेचर ने ऑथोराइज कर रहा हो तो उसके लिए हम लाइबल नहीं होंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मर्डर करना आज की डेट में वो हो गया है और ऑथराइज हो गया. मैं मर्डर करके आता हूं तो मेरे ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकता भाई, ये तो पहले से ऑथराइज है, लॉ ने बोल दिया लीगल है. ये होता है हमारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस. अ पर्सन कैन नॉट कंप्लेन ऑफ रॉन्ग, मतलब कि कोई पर्सन किसी रॉन्ग की कंप्लेन नहीं कर सकता विच इज ऑथराइज बाय द लेजिस्लेचर. अगर वो लेजिस्लेचर के द्वारा ऑथराइज है, इट मीन्स दैट व्हेन द लेजिस्लेचर ऑथराइज और डायरेक्ट टू डू एनी एक्ट, मतलब कि जो लेजिस्लेचर है वो ऑथराइज करती है किसी भी एक्ट को करने के लिए. एनी डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम सच एन एक्ट इज नॉट एक्शनेबल, चाहे उससे तुम्हें डैमेज हो या ना, इंजरी हो, डैमेज हो, कुछ हो, तुम उसके लिए एक्शनेबल नहीं होंगे. ये होता है हमारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है. और द इंजर्ड पार्टी विल हैव नो रेमेडी एक्सेप्ट फॉर द क्लेमिंग द कंपनसेशन विच मे हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट. वैसे टॉर्ट में तो इसके अंदर बिल्कुल भी इसका डैमेजेस क्लेम करने की ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन अगर स्टैट्यूट में उसका दे रखा है कंपनसेशन का, तब वो कंपनसेशन अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है. अगर स्टैट्यूट में भी उसका कंपनसेशन नहीं दे रखा तो वो उस एक्ट के लिए डैमेज अपने जो क्लेम बैक कर ही नहीं सकता. ये होता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. और ये कंप्लीट डिफेंस है पूरा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो है वो पूरा कंप्लीट डिफेंस है. तो हम समझते हैं स्टैट्यूट तो है दो पार्ट में डिवाइड है, एक एब्सोल्यूट और दूसरा कंडीशनल.
एब्सोल्यूट में हमारा क्या होता है, न्यूसेंस इज अलाउड। एब्सोल्यूट में हमारी जो है न्यूसेंस अलाउड होती है, जैसे मेट्रो, आर्मी एक्सेट्रा। मेट्रो बनती है जब, कितनी न्यूसेंस होती है, कितनी दिक्कत होती है लोगों को, उसके अंदर वो अलाउड है। और वहीं कंडीशनल में न्यूसेंस इज नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, भाई अगर पुलिस ही न्यूसेंस करने लग जाएगी तो क्या होगा पब्लिक का, पब्लिक तो परेशान हो जाएगी। इसलिए इसके अंदर जो है हमारी न्यूसेंस नहीं अलाउड होती। और ये बोथ, इन बोथ द नेग्लिजेंस इज नॉट अलाउड। अगर ये दोनों नेग्लिजेंस करते हैं, चाहे ये करे, मेट्रो करे, आर्मी करे और या पुलिस करे, कोई भी अगर नेग्लिजेंस करता है तो उन दोनों के ऊपर केस फाइल हो सकता है, कुछ भी हो। टॉर्ट के अंदर अगर तुमने किसी भी चीज के, अगर तुमने करना है टॉर्ट फाइल किसी के ऊपर, अगर किसी ने नेग्लिजेंटली कुछ भी करा, तुम उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई पेच निकल ही रहा होगा, तुम उसके ऊपर केस फाइल कर दोगे। ये होता है स्ट्रेटेजरी। तो हम इनके अंदर दो केस पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हैमरस्मिथ सिटी रेलवे कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रांड 1869। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा हैमरस्मिथ था उसने कंपनी के कॉर्पोरेशन के ऊपर केस फाइल करा कि भैया जो तुम्हारी रेलवे है उसकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर रही है, क्योंकि यहां से वाइब्रेशन होती है तुम्हारी रेलवे की वजह से, यहाँ से स्मोक निकलता है, ठीक है, और मेरे को और अदर बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो भैया कॉर्पोरेशन ने कहा, मतलब कोर्ट ने उसे कहा कि भैया ये कोई मानने वाली बात नहीं है, ये तो स्टैट्यूट है, ये तो रेल निकलनी ही निकलनी है, ये वाइब्रेशन तो होंगी ही होंगी, इसके लिए तुम लाइबल नहीं होंगे, ना तुम इसके लिए कंपनसेशन ले सकते हो, ना तुम अपनी प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू बढ़वा सकते हो। वैल्यू बढ़ेगी नहीं भाई, जो जो चीज रहेगी रहेगी, इसके लिए तुम किसी भी चीज का डिफेंस नहीं ले सकते, किसी भी चीज की तुम क्लेम बैक नहीं कर सकते। स्मिथ वर्सेस लंडन साउथ वेस्टर्न रेलवे रेलवे 1870। इसमें क्या हुआ था, जो रेलवे साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी थी, इसने क्या था भाई, कुछ ट्रेनें छोड़ दिए थे नेग्लिजेंटली, ठीक है, उस चक्कर में वहां पर चिंगारी पैदा हुई, चिंगारी की वजह से वहां पे हेजेस में आग लग गई, और उन हेजेस की आग लगने की वजह से हवा बहुत तेज थी, हवा तेज हुई थी, दूर एक स्मिथ के क्वार्टर में जाके आग लग जाती है, जिससे उसके क्वार्टर में आग लग जाती है, उसका सारा क्वार्टर खराब हो जाता है, जल जाता है, राख हो जाता है। तो वो अपने डैमेजेस को क्लेम करने के लिए कंपनी के ऊपर केस फाइल करता है, ठीक है, कंपनी के ऊपर केस फाइल करता है। तो भाई कंपनी कहती है कि हमारी गलती थोड़ा ना, तुम्हारा गोरिश इतना दूर था, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई कोर्ट ने ये कहती है, तुमने वहां पे नेग्लिजेंटली क्यों छोड़ा था ये सामान, अगर तुम नेग्लिजेंटली नहीं छोड़ते, अगर तुम काम ही कर रहे होते, बाय चांस अगर गलती से हो जाता ऐसा, तब तुम एक बार लायबल नहीं होते, अगर तुम नेग्लिजेंटली ऐसा नहीं करते, तुमने नेग्लिजेंटली वहां पे सामान छोड़ा जिसकी वजह से वहां पे आग लग गई, तो तुम लायबल होंगे स्मिथ के डैमेजेस के लिए। तो इसके अंदर कंपनी लायबल होती है और स्मिथ को सारे उसके डैमेजेस क्लेम बैक करती है। ये होता है हमारा स्ट्रेटेजरी अथॉरिटी। थैंक यू।